झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। आज मैं अनु शंकर, मैं जेपीएससी का अभ्यर्थी हूं और जेपीएससी जो 7वीं से 10वीं हुई है उसमें जो कदाचार हुआ है और जिसे हम जैसे अभ्यर्थियों का नहीं हुआ इतना मेधावी होने के बावजूद भी और हमारे जैसे सैकड़ों भाई बहन का नहीं हुआ, मैं उससे काफ़ी दुखी हूँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं इस पावन नदी के घाट किनारे मैं जेपीएससी का पिंड दान कर दूंगा कि ना जेपीएससी रहेगी और ना हम जैसे युवाओं का जिंदगी बर्बाद होगा। हे देवता, आप मेरा पिंड स्वीकार करें, जेपीएससी को मैं आज पिंड दे ही देता हूँ क्योंकि ये हजारों लाखों विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो मैं आज पिंड जेपीएससी के नाम पर दे देता हूँ और पूरे विधि विधान से मैं पिंड दे रहा हूँ और पिंड को स्वीकार करना चाहिए और जेपीएससी को मैं आज पिंड दे के इसे समाप्त कर रहा हूँ। मैं पिंड दे दिया जेपीएससी को, मैं जल दे देता हूँ जेपीएससी को पिंड में दिया प्रसाद दे देता हूँ। दिया में मैं अच्छा दे देता हूँ, दिया हो गया है। जब भूत गया उतना घी नहीं था, पैसा नहीं था, माँ बाप पैसा नहीं देता है, गरीब आदमी है। तनी धूप लाए थे, कहाँ उड़िया गया धूप हुआ। तनी देखो भाई धूप तो कहाँ धूप उठा के देखो, जरा धूप लाए थे 1 रुपया का दिया था, जरा मैं धूप दे देता हूँ जेपीएससी के नाम पे। धूप में दे दिया और लीजिए, खुश हो जाइए, दिया दे दिया, अब प्रसाद ही दे रहे हैं। देखिए पैसा नहीं है, कष्ट का पता तोड़े हैं सर, एक रन देते हैं प्रसाद, इतना तो अंगूर है घर में वाला, दे देते हैं प्रसाद ही इसको। अब प्रणाम कर रहे हैं भाई हम जेपीएससी को, नहीं हो पाएगा हम इनसे, जेपीएससी हम इनके नहीं नौकरी देगा, एकदम अत्याचार कर रहा है हम इनके। हम सबसे हाथ जोड़ करते हैं कि देखिए हम लोग को थोड़ा न्याय कीजिए, जेपीएससी हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब यही कहना चाहते हैं कि हम पिंड दान कर दिए, अब जेपीएससी से हम कोई बात नहीं करेंगे, जाइए बंद कर दो।